नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आकांक्षा दुबे मामले में मुख्य आरोपी समर सिंह की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने अनुमान लगाया था कि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के पीछे ब्रेकअप की वजह मानी जा सकती है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन अब समर सिंह के बयान की वजह से ये साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ब्रेकअप हो चुका था तो इसके बारे में करीबियों को क्यों नहीं मालूमात थी। बताते चले कि अब तक जितने भी लोगों ने बयान दिए हैं उसमें सभी ने कहा कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह का रिलेशनशिप था। हालांकि रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता था, लेकिन ब्रेकअप की बातों से किसी ने पर्दा नहीं उठाया। जब समर सिंह से 25 मार्च की कॉल के बारे में जिक्र किया गया तो समर सिंह ने साफ कहा कि उन दोनों के बीच में रिश्ते पहले जैसे अच्छे नहीं रह गए थे। बात कभी कभी होती थी, लेकिन काम के सिलसिले में। इससे साफ पता चलता है कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह का ब्रेकअप हो चुका था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रेकअप होने के बाद लोगों के इस बारे में जानकारी क्यों नहीं हुई और क्या वजह ब्रेकअप ही मानी जा सकती है। बताते चले कि समर सिंह ने रिलेशनशिप का जो दावा किया जा रहा था उस पर भी एतराज जताया है। समर सिंह का कहना है कि आकांक्षा दुबे के साथ उसका इस तरीके का कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। ऐसे में उस इंस्टाग्राम की पोस्ट को याद किया जा सकता है जिसमें आकांक्षा दुबे ने खुद ये इजहार किया था कि वो समर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी। अब इस बयान को लेकर के पुलिस आशंका जता रही है कि समर सिंह पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहा है, पुलिस को गुमराह करने के लिए चाले चल रहा है। हालांकि अब कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है और समर सिंह के हर झूठ से पर्दा उठाया जा रहा है, लेकिन ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह का ब्रेकअप हो चुका था। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। बता दें कि ब्रेकअप की वजहों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आकांक्षा दुबे पर समर सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखना ये होगा कि अब इन आरोपों से आकांक्षा दुबे का परिवार कैसे लड़ता है और समर सिंह के खिलाफ कौन कौन से वो सबूत हैं जो कोर्ट में पेश किए जाएंगे।